यौन इच्छाओं पर आधारित और हर्षवर्धन कुलकर्णी निर्देशित फिल्म हंटर 20 मार्च को प्रदर्शित हो रही है। हंटर की कहानी सेक्स के एक दीवाने लड़के के बारे में है। इस फिल्म को कामयाब बनाने के लिए इसमें बोल्ड सीन्स भी दिए हैं। अक्सर इस तरह की फिल्में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में जब कोई बड़ा स्टार नहीं होता तो जिस्म दिखाकर ही भीड़ को खींचने की कोशिश की जाती है। इस तरह की फिल्मों में सेक्स और यौन संबंधों पर खुलकर बात की जाती है। फिल्म सेक्स स्कैंडल MMS पर बनी फिल्म लव सेक्स और धोखा भी इसी पर आधारित थी। इसमें ऑनर किलिंग और स्टिंग ऑपरेशन के सीन्स भी डाले गए। पॉर्न एक्ट्रेस से बॉलीवुड अभिनेत्री बनी सनी लियोन ने फिल्म जिस्म 2 में बेहद उत्तेजक सीन दिए थे। इस फिल्म के काफी सीन्स भी काफी उत्तेजक रहे। इसी तरह जहां तक सवाल है फिल्म हेट स्टोरी और पूनम पांडे की फिल्म नशा का, इन फिल्मों में भी जमकर अंग प्रदर्शन किया गया जो आगे जाकर मुसीबत बन गया। दीपा मेहता की फिल्म फायर ने भारत में पहली बार लेस्बियन संबंधों पर खुलकर बात करने की कोशिश की थी। फिल्म में लेस्बियन संबंध को लेकर घरों के बीच फैली सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा को दिखाया गया। कामा सूत्र फिल्म में सेक्स भरपूर था। रेखा जैसी अभिनेत्री इस फिल्म में काम कर रही थी, इस लिहाज से फिल्म की चर्चा भी हुई। कुल मिलाकर फिल्म की बोल्डनेस ने काफी चर्चा बटोरी। सेक्स प्रधान फिल्म उत्सव में रेखा और कलाकार शेखर सुमन के बीच सेक्स से रिलेटेड सीन्स फिल्माए गए। इस फिल्म में सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी और एरोटिक सीन काफी खूबसूरती से फिल्माए गए थे। रागिनी MMS, मलिका सहरावत की पहली फिल्म ख्वाहिश और ऐसी ही क्या कूल है हम सारी फिल्में सेक्स प्रधान फिल्में ही कही जाएंगी। इन फिल्मों में द्वियर्थी संवाद और दृश्यों की भरमार रही। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।